जाकर जल चढ़ाएंगे। आप भी बना लो एक नियम कि बैसाख महीने मुझे भी शंकर भगवान को अपने दिल की बात कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, धन वैभव संपदा के लिए, समृद्धि के लिए मुझे भी जल चढ़ा, मैं भी जल चढ़ा। बैसाख के महीने में बेलपत्री की जड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लोटा पानी चढ़ाने का नियम बना। रोज नहीं चढ़ा सकते, सोमवार की सोमवार चढ़ाओ, सोमवार को नहीं चढ़ा सकते तो प्रदोष के दिन चढ़ा लो, प्रदोष को नहीं चढ़ा सकते तो जो बैसाख के महीने में शिवरात्रि आएगी आप उस दिन भगवान शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ा। क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा करती है बैसाख के महीने में तुलसी की अर्चना और बैसाख के महीने में बेलपत्री की अर्चना, ये दोनों अर्चना करने से, पूजन करने से, जल समर्पित करने से घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। मां संपदा की कोई कमी नहीं आती, मां वैभव बढ़ता है। शंकर का आराधना करें, भगवान शिव की भक्ति करें, और वो भक्ति में केवल विश्वास, दिखावा नहीं। आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान को ना तो ढोंग पसंद है ना प्रपंच। बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिवजी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो, पर मिट्टी का जल शिवजी को क्यों चढ़ाया जाता है। स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो भगवती में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया, उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है, उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, अद्र विशाल में ब्रह्म कपाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है। भले दिए अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई तारवा नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भर कर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हैं बैसाख महीने में। बैसाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पत्थरी भी आ गई है ना, नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले बढ़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है तो दुर्वा को तोड़ ला। अशोक सुंदरी का जो स्थान होता उस अशोक सुंदरी का स्थान उस दुर्वा को रख दो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम, कौन से महादेव का नाम लेते कुंदकेश्वर, और दुर्वा को उठा कर लिया। बैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप बैसाख के महीने में कर सकते हो, और दुर्वा को लेकर आओ, लगभग 20-25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए, सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। एक दुर्वा रोज खाओ, जो पत्थरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई, रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट आना, धीरे 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 20 दिन की वो दुर्वा है, 20 दुर्वा एक एक दिन खाना चालू करो, 4 या 5 दिन लगेंगे, अपने आप आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी। और बेचैन अशोक सुंदरी वाली जगह पर दुर्वा समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर। कथा चुके ना, आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मट्टी का पात्र,
और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश, माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मिट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे और उस जल का पान उसी वट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता। पर ये जो क्रम किया जाता है ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल बैसाख में। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप ही प्रयोग कर सकें। जीव तत्व की प्राप्ति, आप डॉक्टर को दिखाओ, आप डॉक्टर की दवाई भी लो, आप डॉक्टर से जांचें भी कराओ, आप डॉक्टर ने जो आपको बताया वैसा आप करो, पर साथ में शिव भक्ति को भी अपने भीतर उतार कर शंकर से भी अपने दिल की बात लेकर चलो। शिव से